Hey, good morning, beautiful people, and welcome back to our channel. So, सुबह का चाय आधा मैं पी चुकी हूँ और आधा बचा है एंड ब्रेकफास्ट लेके बैठ चुकी हूँ. आज लेट उठे क्योंकि लेट सोए. कल जो अनजाना अनजानी मूवी हम लोगों ने परसों स्टार्ट किए थे ना, तो वो हम लोगों ने कल ख़त्म किए एंड देन सो गए. अभी बजा है टाइम 11:15 और आज है मंडे. सो हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू. और आज नवमी है, सो हैप्पी नवमी टू ऑल ऑफ यू. एंड कल व्लॉग नहीं बनाई मैं, एंड परसों का व्लॉग मैंने कल एडिट की एंड आज मैं पोस्ट करूँगी, पर घर आने के बाद शाम को पोस्ट हो पाएगा क्योंकि अभी मेरा फ़ोन का भी बैटरी थोड़ा लो है एंड हम लोग अभी जाने वाले हैं मंगेशी. सो एवरी ईयर नवमी के दिन हम लोग जाते हैं मंगेशी. तो अगर टाइम हाथ में रहा तो फिर हम महालक्ष्मी टेम्पल जाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो फिर डायरेक्ट बाल भवन, क्योंकि आज बाल भवन में सरस्वती पूजा है एंड मरगांव में मैं जाऊंगी. आई एम वेरी एक्साइटेड. वहां पे मरगांव में जाके मुझे पैर रखना है. 5 दिन से मैं शिरोडा गई. सो चलो मिलते हैं. ये रहा आज का मेरा साड़ी एंड पंको. अच्छा, पंकज को तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, वो वाइट कलर का, इसको क्या बोलते हैं, हुडी या समथिंग लाइक दैट. एंड आई एम वेयरिंग दिस साड़ी. ये साड़ी दीदी कलकत्ता से लेके आई थी मेरे लिए. बाद में अच्छे से अगर पंकज वीडियो लेता है मेरा तो आप लोगों को दिखाऊंगी. सो लेट्स गो टू मंगेशी टेम्पल. हमारा विजिट हो चुका है मंदिर में. ज़्यादा शूट करने को नहीं मिलता बिकॉज वहाँ पे लिटरली बिजी हो जाता है. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं भटमम के उधर, वहाँ पे हमारा लंच का प्रिपरेशन है एंड अच्छे से दर्शन हो गया. सो लेट्स गो. सो ये रहा भटमम के घर, ये पूरा उन लोगों का ही है. देखो हमें वेलकम करने के लिए. दर्शन करके एंड देन पंकज मुझे बाल भवन ड्रॉप कर देगा और मैं वैसे मुझे वहाँ पे भी साड़ी पहन के जाने वाली हूँ. बस आज पिकॉक ग्रीन था बट वो मैं नहीं पहन पाई क्योंकि मेरे पास एक ही था. बट वो ना ये दिन के टाइम पे वो साड़ी पहनना बहुत ही ऑकवर्ड लगता बिकॉज बहुत शाइन करता है वो. सो झिंगालाला वाला नहीं है, नॉर्मल है बट शाइन करता है, शाइनिंग वाला है. सो इसलिए मैंने वो कैंसिल किया एंड आई एम वेयरिंग दिस.
सो हमारा महालक्ष्मी टेम्पल में भी दर्शन करना हो गया है। बहुत धूप है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, अब तो निकलेंगे। पंकज मुझे बाल भवन ड्रॉप करेंगे, सो चलो ड्रॉप करेंगे, कितना भी ऐसा करें ड्रॉप करेंगे। एनी वेज उसको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। सो वहाँ जाके सरस्वती पूजा, मैंने पहले ही बता दिया मैं लेट होने वाली हूँ, इग्नोर। हाँ मुझे वॉशरूम जाना है। हेलो आई है। बहुत टाइम हो चुका है घर आकर एंड हम घर आके पहले चाय पिए एंड थोड़ा रेस्ट ली मैंने कुछ 20 मिनट्स एंड देन मैंने पूरा घर को झाड़ू मारी। पोछा नहीं मारी, पोछा कल मारूंगी, कल जब झाड़ू मारूंगी सुबह उठ के तो तभी पोछा मारूंगी। एक्चुअली आज सुबह ना मुझे झाड़ू मारने को नहीं मिला बिकॉज हम लोग इतना लेट उठे कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं ये कर सकूँ, मतलब झाड़ू दे सकूँ। तो घर आने के बाद ऑब्वियसली ये देखो हमारे मैडम। सो अभी क्या है कि हम लोग घर आए ना तो ऑब्वियसली घर बहुत गंदा हुआ था, मतलब गंदा पड़ा हुआ था पूरा घर, तो मुझसे नहीं हो रहा था। सो मैंने सोचा था वैक्यूम करूं, बाद में मुझे लगा नहीं झाड़ू मारती हूँ क्योंकि दिन में एक बार तो झाड़ू मारना चाहिए, नहीं दूसरी बार जो इवनिंग के टाइम पे वैक्यूम इज़ गुड ऑप्शन। मतलब क्या होता है ना कि जितना हम मतलब पॉसिबल होता है उतना हम क्लीन रख पा रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग हमारे लिए, जितना पॉसिबल हो पा रहा है। एंड कल तो दशहरा है, सो दशमी आखिरी दिन हमारे दुर्गा पूजा का एंड आज नवरात्रि है, 9 डेज कंप्लीट होगा, आज लास्ट डे ऑफ डांडिया गरबा एंड ऑल। सो एनीवेज मुझे 3 इनविटेशन तो मिले थे और आज भी मेरा 4th इनविटेशन मिला बट मैं गई नहीं क्योंकि पूरा सेट होने में ना मीन्स अपने आप को मैं भी फुल ऑन बिजी जा रही हूँ। सो मैं घर को छोड़ के कहीं जाने के बारे में सोचती भी नहीं हूँ, अगर जाती भी हूँ ना तो दिमाग में चलता है घर जाना है घर जाना है घर जाना है। सो ऐसा चल रहा है। एंड क्या हुआ कल क्योंकि दशहरा है तो संडे को हमारे घर में पूजा है। सो मैं बता देती हूँ सत्यनारायण पूजा है ऑन संडे, तो सैटरडे संडे का ना मतलब सैटरडे प्लस संडे हो गया, संडे का वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितना व्लॉगिंग हो पाएगा बिकॉज आई डोंट हैव दिस ना ऑप्शन कि कौन मेरे तरफ से, क्योंकि पंकज भी बिजी रहेगा, मैं भी बिजी रहूँगी, दीदी जीजू आएंगे वो भी बिजी रहेंगे वो हमें हेल्प करने में, फिर भाभी आएगी मतलब दीदी की जो भाभी है श्वेता भाभी आएगी वो भी हेल्प करेगी, तो वो विल टेक द वीडियो। सो कोशिश करूँगी जितना हो सकता है, बट हमारा तो पूरा जर्नी मतलब आज से ही पकड़ लो शुरू हो चुका है। तो कल मैंने पूरा डिसाइड किया है कि पूरा घर का जितने भी हमारा ये फर्नीचर्स है वो मैं पूरा साफ़ करूँगी, इंक्लूडिंग टीवी के पास जो रैक वगैरह है वो सब कल यू नो क्लीन करेंगे एंड मैं और पंकज अभी डिवाइड करेंगे कौन सा काम कौन करने वाला है।
सो चलो अभी जाना है किचन में, क्योंकि रात का डिनर का प्रिपरेशन करना है, वो तो है नहीं बॉस। सो रात का डिनर में होगा आलू की सब्जी, वो भी टमाटर डाल के, एंड ये रोटी। ये रहा किचन का हालत। सो बर्तन वगैरह अभी मैं साफ़ करूँगी पहले, उसके बाद मैं मतलब ऑब्वियसली ये जगह पे रखूँगी, फिर बर्तन धोने एंड थोड़ा साफ़ सफाई कर लूँगी, और उसके बाद मैं डिनर का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। और ये जो बॉटल्स आप लोग देख रहे हो ना, इसका मुझे शॉर्टेज करना है एक्चुअली। ये मतलब रिसेंटली ख़रीदे हैं तो फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है, पर यूज़ करने का भी मन नहीं कर रहा है। एनी वेज ये तो खरीद लेंगे। एंड ये जगह भी मुझे बहुत क्लीन करना है, बिकॉज संडे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। सो आई डोंट वॉन्ट कि वो कहीं पर भी यू नो मेसी देखे। सो बहुत काम बाकी है। एंड यहाँ पर भी हालत उतना अच्छा नहीं है, सो यहाँ के भी हालत ठीक करना है। एंड यहाँ पर मुझे स्पेस बनाना है फॉर दिस वैक्यूम क्लीनर के लिए। सो बन गया है आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सा मटर भी मैंने ऐड किया है इसमें, शायद नहीं दिख रहा है, छुप गया है अंदर। एंड रोटी भी बना चुकी हूँ, टरैंग, सिर्फ दो रोटी फूले नहीं, बाकी सब फूले। सो चलो गाइस, मिलते हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग ये भी एंड करती हूँ। अगर कुछ भी पसंद आता है व्लॉग में, देन डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आई यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पे पूरा लिस्ट लिखा हुआ है जो भी हमें संडे से पहले करना है, तो क्या है भूलेंगे। सो चलो गाइस बाय, मेरा काम हो गया तो लाइट वाइट मैंने बंद कर दी। एंड अभी पंकज काम कर रहा है, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, एंड मम्मा थोड़ा सो गई है, सो मैं उनको उठा ही नहीं हूँ, तो उनका उठने का इंतज़ार है। जब वो उठेगी तो तब मैं उनको डिनर दे दूँगी, एंड जब पंकज को चाहिए होगा तब हम लोग डिनर कर लेंगे। सो अभी चलो मेरा रेस्ट लेने का टाइम है, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।